बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उमर फारूक फ्रॉम द स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज कैदाबाद। कल हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, आज हमने मास ऑफ अर्थ पढ़नी है। मास ऑफ अर्थ यानी कि हमने अर्थ का मास जो है वो फाइंड करना है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और मास किसी चीज़ की क्वान्टिटी ऑफ अ सब्सटेंस कहलाती है। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मिसाल दूँ आपको, यानी चीनी का एक मिकदार है, उसको 1 kg में हम नोट करते हैं, 2 kg में हम नोट करते हैं, इसी तरह 3 kg में हम नोट करते हैं, तो वो जो kg यूनिट है वो असल में उसकी मिकदार है, क्वांटिटी है। तो इसी तरह हमने अर्थ की भी मिकदार बतानी है, अर्थ का भी मैस बताना है कि अर्थ का मैस कितना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला कुछ यूँ बना था, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर। ये दो m जो थे, यानी दो बॉडी थे और उनके मैसेज को प्रोडक्ट किया गया था, मल्टीप्लाई किया गया था, और d का स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस है, दो बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस था उनके सेंटर से लेकर उसके स्क्वायर के बराबर रख दिया गया था। ये था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। अर्थ मैं डायग्राम बना लेता हूँ। अर्थ क्योंकि बड़ी बड़ी मिकदार होती है, इसका साइज लिए बड़ा रखा जाता है, इसके मास को हम एम ई से डोनेट करते हैं। ई का मतलब होता है अर्थ, अर्थ, और इसकी सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखते हैं, छोटा सा बॉडी जिसका मास है एम, स्मॉल एम से हम एक तो डिनोट करेंगे। अब देखिए ना, डिस्टेंस जो था दो बॉडी के दरमियान उसको डी से डिनोट किया जाता था, लेकिन यहाँ पे हम सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक का फासला जो है उसको रेडियस कंसीडर करेंगे, और कैपिटल आर से लिखा जाता है। क्योंकि देखिए, अब जो मास है वो अर्थ की सरफेस पर मौजूद है, तो इसलिए जो डिस्टेंस है मास छोटे स्मॉल एम का और अर्थ का, उसको डी से डिनोट करने की बजाय हम आर से लिखेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ भी कैपिटल आर से डिनोट किया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे एम टू लिखा गया है उसको एम ई की जगह पे एम ई कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे डी लिखा गया है उसकी जगह पे हम कैपिटल आर लिख देते हैं। तो ये बनेगा एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम और एम ई, एम ई मास ऑफ अर्थ ओवर आर का स्क्वायर। अगर मैं ये लिख दूँ, एम ई है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और साथ ही जो आर दिया गया है वो है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ स्मॉल बॉडी, यानी छोटे साइज वाला जो बॉडी है उसका है। अब एफ जो है हमने पढ़ा था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होती है जो ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जो बॉडी छोटा बॉडी पड़ा है, इसको ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट, अपने मरकज की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और इस जो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, असल में ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर लग रही होती है, उसका मतलब होता है कि वो फोर्स उसके बॉडी के बराबर है, उसके वेट के बराबर है। तो ये जो बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, ये असल में उसका वेट है, यानी फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट ऑफ बॉडी वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो W हमने पढ़ा हुआ है वो किसके बराबर होता है, एम जी के, यानी मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। यानी यहाँ पे जो फोर्स है वो किसके बराबर आ गई, फोर्स बराबर आ गई मास और जी के प्रोडक्ट के बराबर आ गई। यहाँ पे F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम ई ओवर आर का स्क्वायर था, यहाँ पे F इज इक्वल टू एम जी है, यानी दोनों के एक तरफ जो है एफ एफ आ रहा है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, एफ की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एम जी पुट कर देंगे। ये बनेगा एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई ओवर आर का स्क्वायर। अब हमने एम ई फाइंड करना है, मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। एम जो है स्मॉल एम वो मास ऑफ अर्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एम जी ओवर
स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर रह जाएगा। ये एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई यानी मास ऑफ अर्थ ओवर आर का स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ अर्थ। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमने एम ई फाइंड करना है तो एम ई को बराबर की एक साइड पे रखेंगे, बाकी जो चीज़ें इसके साथ जैसे जी मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, आर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी एम ई एक साइड पे रखते हैं और आर स्क्वायर जो है वो जी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा जी आर का स्क्वायर ओवर जी जो है वो एम ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर और कैपिटल जी की वैल्यू हमने पाल ली थी वो होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। एम E इज इक्वल टू जी की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा और आर की जगह पे आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर और होल का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर था, ओवर कैपिटल जी इसकी वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो इस तरह बनेगा 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। किलोग्राम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मास का यूनिट ही केजी होता है और मास ऑफ अर्थ कितना निकला, वो निकला 6.0 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये था मास ऑफ अर्थ।